मिश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। रोजी रोटी के लिए भटक रहे मजदूर, 1 मई को मनाया जाएगा मजदूर दिवस। पॉलिथीन पर नहीं लग पाया प्रतिबंध, 1 मई 2017 से प्रतिबंधित है पॉलिथीन। वारासिवनी में स्टेट बैंक के एटीएम में लगी आग, एटीएम मशीन सहित 10 से 15 लाख रुपए कैश जलकर राख। आग लगने का कारण अज्ञात। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र में हुआ 77.37% मतदान। ईवीएम और वीवीपैट मशीन रखी गई स्ट्रांग रूम में, सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई। और मामूली विवाद पर चली लाठी, 1 व्यक्ति की मौत। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। 17वें लोकसभा चुनाव के लिए 29 अप्रैल को मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई गई। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र में इस बार 77.37% मतदान हुआ है। सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। 23 मई को मतगणना के दिन स्ट्रांग रूम में सभी प्रत्याशियों की मौजूदगी में खोला जाएगा। गाड़ी ऐसा घुमा के ला लेंगे। पंकज सिंह कहाँ पर है? सबको निकाल रहा जी कैसा रहा? टाइगर टाइगर कितने का? अपना 1 किलो। हाँ, आपने बोला और कोई बीजा लेके आए पद्मेश न्यूज से चर्चा में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने बताया कि जैसी उम्मीद थी उससे कहीं बेहतर मतदान हुआ है। श्री आर्य ने बताया कि चुनाव आयोग के प्रोटोकॉल के अनुसार स्ट्रांग रूम में सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। स्ट्रांग रूम देखने प्रत्याशी आ सकते हैं, वो भी निर्धारित नियमों के तहत। सर, बालाघाट जिले में मतदान हुआ कल, कितना प्रतिशत हुआ मतदान? बालाघाट जिले में जैसी उम्मीद थी एक अच्छा मतदान का प्रतिशत होगा। 77.34% मतदान यहाँ की जनता ने किया है और हर बार की तरह महिला मतदान यहाँ पर पुरुष मतदान की तुलना में ज़्यादा हुआ है। सर, ये देखा गया कि पिछले बार की अपेक्षा मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ। पिछले बार 68% था मतदान, क्या लगता है सर, क्या वजह मानते हुए? एक कारण लोगों की जागरूकता जो बढ़ी है, दूसरा स्वीप की गतिविधियाँ जिले के द्वारा जो की गई उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान इस बार रहा, जिससे कि लोग बाहर आए, लोगों ने वोट डाला। सर, स्ट्रांग रूम में सारी मशीनें रख दी गई है, कैसी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है? जो चुनाव आयोग के प्रोटोकॉल्स हैं उसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं लगा दी गई हैं। ये CAPF की एक बटालियन होती है, सॉरी प्लाटून होती है, जो कि इसको गार्ड करती है। इनर कॉर्डोन में जो बाहर का कॉर्डोन है उसमें स्टेट आर्म फोर्स होती है और जो तीसरा कॉर्डोन जिसका होता है जो अपना स्टेट पुलिस। सर, क्या क्या सर कैमरे भी लगाए गए हैं? सर, कैमरे भी लगाए गए हैं और व्यवस्था देखने की रहेगी। जो भी पोलिंग जो भी पार्टी या कैंडिडेट्स के जो भी नियुक्त करेंगे जो लोग होंगे वो चाहे यहाँ पर रुक भी सकते हैं और 24 घंटे वो देख सकते हैं। सर, 23 तारीख का ही इंतजार रहेगा? 23 तारीख का इंतजार रहेगा। 23 तारीख के दिन जो व्यवस्था है वो उनकी तैयारी प्रारंभ कर दी गई है।
अक्सर देखा गया है कि मरीजों के स्वास्थ्य की कामना उनके परिजनों के द्वारा की जाती है, लेकिन जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में एक परंपरा चालू की गई है जिसमें जिला अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारी एवं चिकित्सक मरीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस संदर्भ में मेटर्न शशिगिरी गोस्वामी ने बताया कि प्रदेश का एकमात्र ट्रामा सेंटर है जहां मरीजों के लिए प्रार्थना हमारे द्वारा की जाती है ताकि उनके स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। मई 2016 में जब ट्रॉमा सेंटर ये साइड में आया गायनिक सेक्शन, तो ये प्रार्थना करना हम लोगों ने चालू किया है। यही प्रार्थना हमेशा यही होता है कि कभी माँ के लिए दुखदायक कष्टदायक समय आ जाता है, कभी बच्चों के लिए। मैं लड़कियों को समझाई कि नहीं, हमें प्रार्थना करना चाहिए इन गर्भवती महिलाओं के लिए कि सब ये जच्चा बच्चा सब हमारे अच्छे होके जाए। अब जो घटना है वो तो घटती है, उसको तो रोक नहीं सकते, परंतु प्रार्थना में शक्ति होती है, इतना मैं जानती हूँ। जिला अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती मरीजों को भीषण गर्मी में परेशान होना पड़ रहा है। आपको बताएं कि बर्न वार्ड में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मरीजों की सुविधा के लिए एयर कंडीशनर की व्यवस्था की गई है जो कि 2 दिन से खराब है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान CMHO RC पनिका ने कहा कि आपके द्वारा इस समस्या को संज्ञान में लाया गया है जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो बाजू में आपका वर्न यूनिट है वहाँ का AC बंद है, इतनी गर्मी पड़ रही है, बंद है जी। तो मरीजों को किस प्रकार की दिक्कत हो रही है? गर्मी हो रही है यानी गर्म भाव आ रहा है। अभी कितना यानी क्या लग रहा है आपको, कितनी गर्मी होगी? हाँ, गर्मी तो है, यानी मरीजों को दिक्कत हो रही है। दिक्कत मरीजों को हो रही है, उनके साथ वालों को। कब से बंद है ये? अब ये तो नहीं मालूम, पर अभी सुधार रहे थे, हम आज ही आए। समाज के लिए नासूर बन चुकी पॉलिथीन पर शासन द्वारा मई 2017 से बैन लगाया गया है। बावजूद इसके भी नगर में पॉलिथीन की बिक्री और उसका उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिसके चलते जहां एक ओर पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर इसके सेवन से मवेशियों की मौत के आंकड़े भी काफी बढ़ रहे हैं। 3 वर्ष बीत जाने पर भी जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन पॉलिथीन की बिक्री और उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने में असफल साबित हो रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के चलते चिल्लर व थोक व्यापारी बिना किसी डर और रोक टोक से इसकी बिक्री करते नजर आ रहे हैं और इसका उपयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं, जिसके चलते पूरे शहर में जगह जगह पॉलिथीन का ढेर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नगर पालिका द्वारा पूर्व में पॉलिथीन बैन को लेकर पॉलिथीन जब्ती की कार्यवाही की गई थी, लेकिन ये अभियान के थमते ही नगर में एक बार फिर से पॉलिथीन का कारोबार खूब फल फूल रहा है, जिस पर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने पॉलिथीन जब्ती की कार्यवाही पुनः शुरू किए जाने की बात कही है। पॉलीथीन को तो मध्य प्रदेश में पूर्णतः बैन ही है, शासन ने ही बैन लगाया हुआ है, पर यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हमारा जिला जो हमारा नगर
ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगा होने के कारण लोग आजू बाजू से खरीद करके ला करके इसका उपयोग कर लेते हैं, जबकि महाराष्ट्र में भी बैन है और छिंदवाड़ा वो छत्तीसगढ़ में भी बैन है। और हम भी समय समय पर इस पर कार्रवाई करते हैं, हमारे पास आमला थोड़ा कम होने के कारण प्रतिदिन इसकी हम कार्रवाई नहीं कर पाते। पर बालाघाट में भी तो पूर्णतः पॉलीथीन पर बैन ही है, अब लोग चोरी छुपे इसका उपयोग करते हैं, जबकि हम लोगों को जा जा के समझाएँ, हमारे कर्मचारियों ने भी समझाया, हमने भी समझाए और हर समय बोलते भी रहते हैं कि पॉलीथीन का उपयोग ना करें, पॉलीथीन पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। उसके बाद में भी लोग ना समझ बनते तो ये जनता की कभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती क्या? नहीं, बड़ी कार्रवाई तो बैन है उसमें, बड़ी कार्रवाई होती है, हम लोगों से फाइन भी लेते हैं और लोगों के ऊपर इसका बीच बीच में इसका प्रभाव भी पड़ा था, पूर्णतः बंद हो गए थे। लेकिन छोटे दुकानदार चोरी छुपे लोग करते हैं, कहीं कोई सब्जी भाजी खरीदने जाते हैं तो कोई बीज दाने। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के करीब 80 देशों में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, जहां मजदूरों के कार्यों की सराहना करते हुए उनके उत्थान के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत की जाती है। लेकिन बात अगर बालाघाट जिले की करें तो जिले में उद्योग व्यापार ना होने के चलते यहां के मजदूर संगठित नहीं है और उन्हें अपनी 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए रोजाना ही भटकना पड़ रहा है। पिछले कई वर्षों से ये मजदूर काम की तलाश में नगर के पुराने राम मंदिर के सामने खड़े रहते हैं, जहां उनकी रोजी की बोलियां लगाई जाती हैं। बेरोजगारी बढ़ने और मजदूर की संख्या अधिक होने के चलते जिले के ज्यादातर मजदूर नागपुर या रायपुर की ओर पलायन कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में मजदूर पुराने राम मंदिर के सामने दिहाड़ी की बोली के लिए खड़े रहते हैं, जहां किसी दिन उन्हें काम मिल जाता है तो किसी दिन उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ता है। संगठित ना होने के चलते मजदूरों को यह भी पता नहीं है कि आखिर मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ज्यादातर मजदूरों ने जिले में उद्योग व्यापार स्थापित किए जाने की बात कही है। काम नहीं मिलता, आप यहाँ पे काम की तलाश में आते हैं? 9 बजे आते हैं यहाँ। अच्छा, आज काम नहीं मिल रहा? ऐसा कितना दिन होता है जिस दिन काम नहीं मिलता होगा? तो 4 दिन काम मिलता है बस, फिर सप्ते में 4 दिन काम मिलता है बस। कितने वर्षों से यहाँ ठिए से आप यानी आते हैं रोजगार के लिए? 2 साल हो गए। तो प्रॉपरली रोजगार मिल पाता है यहाँ? काम करो, 1 दिन खाली जाओ। अच्छा, आज रोजगार मिला? मेरा घर 5 साल के ऊपर हो गया है, पर अभी तक के कोई बदलाव नहीं आया है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक भी हो जाता है और सब खड़े रहते हैं अपने लेबर भाई लोग, सब बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जो ठेकेदार रहते हैं ये कम में ही जाते और वहाँ से कमीशन बना लेते अपना, और हमको यही मिलता है 200, 250, 300 रुपये बस, दिन भर बेल समान काम करो। अच्छा, घर परिवार चल पाता है? 300 रुपये बहुत होते, क्यों नहीं चलेगा? अच्छा, पर काम डेली नहीं मिलते ना, सेठ बात ये है, काम डेली नहीं मिलता। क्या व्यवस्था होनी चाहिए थी यहाँ पे? ऐसा कि कुछ यानी कंपनियाँ खुलना चाहिए या और उद्योग धंधे खुलना चाहिए तो ग्राहक इनको सबको काम मिलेगा। अच्छा, डेली यहाँ कितने संख्या में मजदूर? 500 लोग आते सर यहाँ पर डेली, 500, कोई समनापुर से, कोई इधर उधर आजू बाजू इतने गाँव क्षेत्र है। बहुत दूर दूर के लोग आते हैं? हाँ, बहुत दूर दूर से आते सर। अच्छा, कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैं सर 8वीं पास हूँ बस। अच्छा, तो यानी आपको ऐसा लगता है कि अगर उद्योग धंधे व्यापार रहता अपने यहाँ पे तो शायद यहाँ काम के लिए भटकना नहीं पड़ता? हाँ, अब नागपुर जो शहर टाइप अगर ये होता तो यहाँ भी काम होता है, यहाँ तो था कि छोटा शहर है, वो कोई काम हुआ ही नहीं अभी तक के यहाँ पे। बहुत साल से देख रहे हम तो, उतनी उम्र हो गई, 30 साल की उम्र है मेरी, पर यहाँ ऐसा लगता नहीं कि आने वाला समय भी ऐसे रहने वाला है।
लालबर्रा मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत रानी कुठार के अंतर्गत आने वाले ग्राम देवगांव में एक व्यक्ति ने दुकान के मामूली विवाद पर दुकानदार के सिर पर लाठी से वार कर दिया, जिससे दुकानदार नंद किशोर पटले की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी राजेश अमूले कुछ सामान खरीदने आया था, जहां नंद किशोर से उसकी बहसबाजी हो गई थी, जिस पर राजेश ने आवेश में आकर नंद किशोर को लाठी से मार दिया। गंभीर रूप से घायल नंद किशोर को लालबर्रा लाया गया, जहां से उसे बालाघाट के एक निजी चिकित्सालय में दिखाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। घटना ये ऐसी घटी कि ये एक मृतक की किराना दुकान है, और वो दुकान को लेकर के वो जो आरोपी है उसके साथ थोड़ी सी बात का विवाद हो गया, और विवाद होने के बाद में उन्होंने एक लठ उठा के सर पे मार दिया। अच्छा, दुकान के चीज बात, दुकान के सामने? हाँ, दुकान के सामने की, जस्ट सामने की बात है। तो कहाँ की घटना है? जगह ये ग्राम देवगांव के पटले किराना दुकान के सामने की बात। सामने आज मेरे द्वारा मृतक नंद किशोर पिता टेकचंद पटले उम्र 35 साल निवासी देवगांव का पोस्टमार्टम किया गया है, और पोस्टमार्टम के जैसे वाहन चिन्ह जो दिखाई दिए हैं उसके सिर के मध्य वाले भाग में ऐसा सीधा खड़ा हुआ, लगभग 2.5 इंच लंबा, आधा इंच चौड़ा और आधा इंच गहरा घाव है। इसके अलावा उसके बाएं साइड में हाथ में भी एक कटा हुआ घाव है जो लगभग 1 इंच करीब करीब है। तो सर के ऊपर जो चोट लगी है इसका इंटरनल एग्जामिनेशन करने के बाद आंतरिक परीक्षा में जो देखा गया है कि उस भाग पे, जिस भाग पे इसका फटा हुआ घाव है उसके नीचे पूरे ड्यूरामेटर वाले भाग पर अधिक मात्रा में खून के थक्के जमे हैं, चारों तरफ खून के थक्के जमे हैं। इसके अलावा अगर ये उससे मस्तिष्क को खोला गया, जो अंदर वाला भाग मस्तिष्क को खोला गया, तो ब्रेन मेटर के अंदर से भी क्लाटेड ब्लड बाहर आ रहा है, खून के थक्के जमे हुए बाहर आ रहा है। तो उपरोक्त आदमी की मृत्यु जो है अत्यधिक रक्तस्राव हुआ है, और चूंकि हेड इंजरी है, ब्रेन मेटर पे है, इसलिए ब्रेन मेटर पे होने के कारण उपरोक्त व्यक्ति की मृत्यु जो है अत्यधिक रक्तस्राव से हुई है। खैरलांजी क्षेत्र के मोवाड़ रोड पर सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक घायल व्यक्ति रामजी देवारे और संतोष देवारे ग्राम सिहोरा एक शादी में गए थे, जहां से वे वापस लौट रहे थे, तभी उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से यह हादसा घटित हुआ। जहरीली वस्तु के सेवन से जिला अस्पताल में भर्ती एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो। मृतक फग्नुसेह मर्सकोले लांजी क्षेत्र के ग्राम केराटोला का निवासी है। जानकारी के मुताबिक फग्नुसेह शराब पीने का आदी था, जो 28 अप्रैल को अपने खेत में बेहोशी की हालत में पाया गया था। वारासिवनी के दीनदयाल चौक पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम में बीती रात करीब 2:30 बजे अचानक आग लग जाने से पूरी मशीन जलकर राख हो गई। इसमें 10 से 15 लाख रुपए भी जलने की आशंका व्यक्त की जा रही है। आग कैसे लगी फिलहाल यह जांच का विषय है। आग लगने की जानकारी आसपास रहने वालों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। वारासिवनी पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। नाम से बोल ले ये दीनदयाल चौक के सामने गेटी हमें तो आग जली की घटना के समय
रात को मुझे फ़ोन आया था 3:25 में, यहाँ पे आग लग चुकी है। तो आग लग चुकी थी तो मैं सुबह आके देखा तो यहाँ पे आने पूरा जल के राख था। इससे ये था कि घटना बड़ी हो सकती थी क्योंकि आग लगना ब्लास्ट होना। और दूसरी चीज़ ये है कि इतना बड़ा ATM है तो यहाँ पे लड़के वड़के रहना चाहिए। कोई नहीं रहते? हाँ, अभी तक तो कोई नहीं है, एक डेढ़ महीने से कोई लड़का नहीं है यहाँ पे। तो भगवान भरोसे ही चल रहा है? ना, भगवान भरोसे ही है। कभी भी कुछ भी हादसा घटित हो सकता था? कभी भी कुछ भी हादसा घटित हो सकता है। रात में 2:30 बजे की तो घटना घटित हुई है, तो ये ATM चालू था या बंद? ATM तो उस समय चालू था शायद, क्योंकि घटना घटी है तो आग लगी थी तो ATM चालू था। कोई राशि निकालने आया होगा? कोई राशि निकालने आया होगा उस समय ही घटना है, या फिर ब्लास्ट भी हो सकता है, पर उस समय ही घटना है। नोट तो मेरे ख्याल से शनिवार के दिन डले थे, तो शनिवार रविवार के दिन खाली हो गए होंगे, तो सोमवार के दिन तो नहीं रहे होंगे। जब भी रहे होंगे तो 10-15-20-25 रहे होंगे, उतनी जानकारी नहीं है उसके। रात में 2:30 बजे की घटना है? ये 2:30 बजे की घटना। हादसा घटित हो सकता था, फिर जैसे पता चला तो बाजू वाले भैया है, किराने दुकान वाले, ऊपर वाले, तो मेरे को 100 नंबर को फ़ोन करे और फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके यहाँ बुलाया। फायर ब्रिगेड से फिर आग वाग में काबू पा लिया। कभी कोई आया था बैंक वाले? ATM बैंक वाले भैया जो अभी लूटिंग करने के लिए आए थे, उन लोगों ने देखे, फिर उसके बाद इन्हें जो भी कार्रवाई थी अपनी करे। पंचायत वारासिवनी के अंतर्गत आने वाले पंचायत कासपुर में पंचायत द्वारा शासन की योजना के तहत नाली का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन कार्य की धीमी गति और गंदगी के कारण ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने गुणवत्ताहीन नाली निर्माण करवाने का आरोप सरपंच पर लगाया है और जिला प्रशासन से मांग की है कि वे मामले की जाँच करवाएं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं ग्रामीण। वहीं सरपंच फकीर चंद देशमुख का कहना है कि मजदूर नहीं आने से कार्य धीमी गति से हो रहा है। रात में भूत की जो गाड़ी गई वहाँ तक थी, ये सामने का फॉरेन ले लीजिए, बता करके गया था। मैं वार्ड नंबर 13 का रहने वाला हूं। इसके पहले पूर्वों में मैं ही पिछले बार पंच भी रहा वार्ड नंबर 13 से, अभी वार्ड नंबर 18 का पंच हूं, उप सरपंच भी रहा पिछली बार पूर्वों में। और वार्ड नंबर 13 की नाली निर्माण जो सरपंच कर रहा है सचिव और सरपंच फकीर चंद देशमुख जी, अब इनने ठेका दिया या रूजी से करा रहा है मुझे ये तो मालूम नहीं है। बाकी रही बात, इनने ना नाली की तराई किया जो वर्तमान चालू किया है नाली वार्ड नंबर 13 की, और उसके में पानी की इकास बिल्कुल नहीं हो रहा है उस नाली से। उसके में कीचड़ पैदा हुआ, उसके में मच्छर पैदा हुआ, उसके मच्छर के काटने से बीमारियों का उत्पादन हो रहा है। और रही बात कि कई बच्चों को थोड़ा बहुत मच्छर के काटने से कुछ बीमारियों का भी असर का समय है, मैं यही कहना चाहता हूँ। विगत 1.5 माह पूर्व हमारे गांव में वार्ड नंबर 13 और 14 के बीच में नाली निर्माण कार्य किया गया। अच्छा, तो यह कार्य रुक रुक के किया जा रहा है और इसमें ग्रामीण लोगों से और पंचगणों के माध्यम से भी सरपंच को अवगत कराया जा रहा है कि सर ये काम हो रहा है, इसमें पीछे पीछे धूल मिट्टी उड़ रही है। गर्मी के दिनों में ज़्यादातर लोग बाहर सोते हैं, छोटे बच्चे लोग रहते हैं जिनके स्वास्थ्य पर फर्क पड़ रहा है। धूल का इतना भारी गुबार उठता है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ सामने आकर नहीं सो पाता, तो उससे समस्या पूरे ग्रामीणों को है और ये आवागमन को भी अवरुद्ध कर रहा है, क्योंकि बालाघाट और वारासन के बीच में एक बाईपास के रूप में इस मार्ग का उपयोग किया जाता है। अच्छा, और सरपंच को जब पंच लोग बोलते तो उनसे भी दुर्व्यवहार कर रहा है, और एक राजनीतिक पद पर होने के बाद भी उनका आचरण ठीक नहीं जनता के लिए। अच्छा, वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं। क्या मांग करते हैं? आज सुबह सुबह की घटना जब काम चालू किया गया, स्थानीय वार्ड वासियों ने उनको रोके। अच्छा, तो उन लोग को सरपंच साहब से फोन के माध्यम से उन लोगों ने बात की तो बोलते जो गलती कर लो, जैसा भी करोगे मैं देख लूंगा, ऐसा बात करते हो। अच्छा, धमकी देते हैं? और हर दिन उनको रोका जाता है यहाँ पर कि पहले काम के साथ साथ ये मलमा उठाया जाए,
अच्छा, तो मलमास से बहुत ज्यादा परेशानी वार्ड वासियों को। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? गुणवत्ताहीन काम हो रहा है, इसका मैपिंग नहीं किया गया है और लेवल नहीं किया गया। आप देखिए कि अभी नाली निर्माण को हुए एक महीने नहीं हुए और अभी से नालियां टूटने लगी, पानी जमा हो रहा है, घटिया। सर कार्रवाई की क्या सर? कोई कार्रवाई को कोई सुनवाई कोई नहीं कर रहे हैं। सरपंच को बोलो तो सरपंच बोलता है हो जाएगा। उसके बाद में आज मैंने फ़ोन लगाया था करीब 8:30-9 बजे के बाद में कि सरपंच साहब एक काम करो, आप एक दिन के लिए बंद कर दीजिए काम। उसके बाद में मैंने बोला 2-4 लेबर बुला करके अपना ये जितना मलमा है मैंने बोला दिक्कत जारी पब्लिक को, ये मलमा उठा दीजिए आप। तो सरपंच साहब क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे को जैसा करना वैसा कर लो, बोले जहाँ तक शिकायत करना है वहाँ तक कर दो, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। जो ये मलमाई के वजह से दस्त हो रही है, बच्चों को परेशानी हो रही, बीमारी होने का सामना, इसके लिए दो चार वहाँ पे गिर गए थे, वहाँ पे सामने कॉर्नर में वहीं पे दुकान के साइड में जो वहाँ गिर गए थे, वहाँ पे ये समस्या हमने कई बार रखे है लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। वहाँ पे नाली जैसे नाली बन रही है, नाली में कोई दम नहीं है। यहाँ पे सरपंच साहब ऊपर धमकी देता है कि जैसा करना है तुम कर लो ऊपर तक कह के। आगे क्या कार्रवाई करना चाहते? आगे कार्रवाई वही है कि इसकी जाँच होना चाहिए, बढ़िया काम अच्छा होना चाहिए और ये मलमा तुरंत उड़ जाना चाहिए, पब्लिक को परेशानी नहीं होना चाहिए। बस बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रोजी रोटी के लिए भटक रहे मजदूर, 1 मई को मनाया जाएगा मजदूर दिवस। पॉलिथीन पर नहीं लग पाया प्रतिबंध, 1 मई 2017 से प्रतिबंधित है पॉलिथीन। वारासिवनी में स्टेट बैंक के एटीएम में लगी आग, एटीएम मशीन सहित 10 से 15 लाख रुपए कैश जलकर राख, आग लगने का कारण अज्ञात। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र में हुआ 77.37% मतदान। ईवीएम और वीवीपैट मशीन रखी गई स्ट्रांग रूम में, सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई। और मामूली विवाद पर चली लाठी, 1 व्यक्ति की मौत। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही, अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।